बोला कि घर से हम अनाज पहुंचाएंगे, लेकिन वो कैसे पहुंचाएंगे? उस दौरान भी हमारे जो श्रमिक परिवार है इनके पास कोई पहचान नहीं था, एक मालगाड़ी ही थी जो उस टाइम पे चलती थी। घर घर अनाज पहुंचाने का काम जो हमारे श्रमिक परिवार ने किया, उनका ही इनाम और ये लगा लो वो उस टाइम पे खड़े रहने का जो परिणाम है, आज इनको जो सरकार गवर्नमेंट सरकार है वो देने जा रही है, और उनको भी वेरिफिकेशन के बाद इनको देने का अधिकार है। मेनली जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए तो इनकी आइडेंटिटी है और इनकी जो सुविधाएं हैं, जो बाथरूम लैट्रिन की है या फिर किसी प्रकार की है, तो इनके बीमे भी कराए जाएंगे कर्मचारियों के? हमारी 14 मांग डिमांड थी जिसमें इनकी मेडिकल व्यवस्था, चोट लगने पर 2.5 लाख मुआवजा, और भगवान ने कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उसके लिए 10 लाख, और 100 किलोमीटर तक किराया, फिर बच्चों का मेडिकल का, एजुकेशन का, 14 मांग डिमांड थी, वो सारा उसी में आ गया। वो सारी 14 मांग डिमांड उसी दिन वेरिफिकेशन में बदलाव हो गई। तो अभी मांगे पूरी हो चुकी है या अभी पेंडिंग है? हमारे वैसे तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो लागू हो चुकी हैं, सब जगह पे बनना शुरू हो गया, कैंटीन व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, टॉयलेट व्यवस्था, तो सारी बनना स्टार्ट हो गया। जो इनको क्यूआर कार्ड मिला है वो हमारे जो माननीय पूर्व गृह मंत्री थे हमारे जो राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ही जो इनका पहचान पत्र है वो प्रोग्राम के माध्यम से इनको पहचान दी गई थी। सब कुछ हो गया, बस इनका हमारा मेन एक तो रेलवे कर्मचारी का दर्जा देना या इनको 12 रुपए 15 रुपए पर बोरी देना, बस एक ही मांग डिमांड रहेगी वो जल्दी। तो जो भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ है इसके द्वारा ही, इसके प्रयासों से ही जो इनको रेलवे की पहचान है, रेलवे कर्मचारी की पहचान, इनका 1998 में हमारे जो अरुण कुमार पासवान जी महामंत्री हैं संघ के, इन्होंने ही पूरे भारत में श्रमिक संघ को जोड़ने का काम किया। उनके बाद हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी हैं, उनके बाद उन्होंने कार्यभार संभाला, अपनी टीम तैयार करी और पूरे इंडिया को जोड़ने का काम किया। पूरे इंडिया में ही हमारा श्रमिक परिवार है, सबको ये लाभ मिलने का। ठीक, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो रेलवे माल गोदाम है उसके द्वारा संघर्ष द्वारा जो आज कर्मचारियों को पहचान मिली है? सबसे पहले भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक करीब श्रमिक भाइयों के लिए 1998 से लेकर आज तक बीड़ा उठा था कि इनको रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, तो बहुत ही जल्दी इनको मिलने वाला है 2 से 4 महीने के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय रेलवे माल गोदाम का और भारत सरकार का और हमारे रेलवे बोर्ड और श्रम मंत्रालय और साथ में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी का, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान जी का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तरसेम भार्गव जी, प्रवीण भार्गव जी का, और तरसेम शर्मा जी हमारे पंजाब के प्रभारी, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने संघर्ष के बाद आज हमारे सभी के बीच में एक खुशी की इतनी बड़ी सौगात दी कि सभी जितने भी श्रमिक भाई थे इन सबको जल्द ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया। तो आज यहाँ पर पहुंचे, आज क्या व्यवस्था की गई थी, क्या करेगा आज इन सभी श्रमिक भाइयों के लिए जो हमारा ना रजिस्टर था रेलवे बोर्ड की तरफ से, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक की तरफ से, इनकी हाजिरी लगाई जाए, टेंडर लगी जाएगी 2 से 3 महीने के अंदर ही, तो 2 से 3 महीने तक इनके टेंडर स्टार्ट की जाएंगे यहाँ स्टेशन पे या प्लेटी पे, जो भी जैसे भी श्रमिक भाई होगा गोडाउन के अंदर, तो उसके बाद ये प्रोसेस रहेगा इनका कच्चे कर्मचारी का या फिर फार्म लेबर रेट। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपका नाम बता दीजिए। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज मुख्य जी, तो जिस प्रकार से इन लोगों ने मांग उठाई है रैली गोदाम जी, तो कितना सहयोग मानते हैं?